है संत यूफ्रेसिया, यीशु की प्यारी सुन लेती है तू सदा प्रार्थना हमारी। समस्त कैथोलिक समाज के लिए 29 अगस्त का दिन एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि यह दिन हमारे देश की बेटी संत यूफ्रेसिया के पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत की इस बेटी ने 17 अक्टूबर 1877 को केरल के त्रिशूर जिले के काटोर गांव में एंथोनियो एवं कुन्यती दंपति के घर जन्म लिया था। बपतिस्मा में इस नन्ही बालिका को रोस नाम दिया गया था। बालिका रोस बचपन से ही अपनी माँ के साथ नियमित चर्च जाती थी एवं माँ ने ही रोसरी माला जपना भी सिखाया। यह वह उम्र थी जब बच्चे अपना पूरा समय खेल में व्यतीत करते हैं, लेकिन नन्ही रोस ने इस उम्र में प्रार्थना की शरण ली। 9 वर्ष की उम्र में बालिका रोस ने माँ मरियम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया एवं स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर निश्चय किया कि वे एक संन्यासिन के रूप में अपना जीवन प्रभु चरणों में ही बिताएगी। रोस के पिता इस बात से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी एक वैभवशाली वैवाहिक जीवन व्यतीत करे, किंतु बालिका रोस अपने निश्चय पर अडिग रही और परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित हुई कि पिता को बेटी की इस इच्छा को स्वीकार करना पड़ा। सन 1988 में पिता स्वयं अपनी इस 11 वर्षीय लाडली बेटी को कुन्नम्मा के कार्मल कॉन्वेंट में प्रवेश दिलाने ले गए और इस तरह बालिका रोस ने संत चावरा कुरियाकोस द्वारा स्थापित कार्मल कॉन्वेंट में संन्याय सार्थक के रूप में प्रवेश ले लिया। रोस बड़ी खुशी के साथ कॉन्वेंट में रहकर विभिन्न भाषाओं एवं अन्य हस्तकलाओं को सीखने लगी। कुछ समय बीता ही था कि रोस गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। प्रारंभ के 2 बार तक वह स्वस्थ होकर घर से वापस कॉन्वेंट लौट आई थी। 3री बार फिर गंभीर रूप से बीमार हुई और इस बार उसे बीमारियों में ही पवित्र परिवार के दर्शन सुलभ हुए एवं वो चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। 10 मई 1897 में रोस ने धर्मसंघ का वस्त्र धारण कर सिस्टर यूफ्रेसिया नाम ग्रहण किया। 24 मई 1900 में सिस्टर ने उल्लूर के विमल माता आश्रम में स्वयं को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित करते हुए नित्य व्रत लिया। संन्यासन का यह जीवन भी कई मुसीबतों, बीमारियों एवं प्रलोभनों से भरा था, लेकिन प्रभु में उनके विश्वास की दृढ़ता से वे सभी का सामना करने में सफल रही। इसी आश्रम में करीब 48 वर्ष तक विभिन्न पदों का रहकर सिस्टर ने एक दीर्घ एवं धन्य सन्यासी जीवन जीते हुए 29 अगस्त 1952 में को मृत्यु का वरण किया एवं इसी आश्रम की जमीन में अंतिम विश्राम पाया। चर्च एवं कलिसिया के प्रति सेवा की इस मूरत की मृत्यु के समय चेरलयम चर्च का घंटा अपने आप बजने लगा, मानो प्रभु स्वयं अपनी
इस प्रिय पुत्री के देहावसान की घोषणा कर रहे थे। सिस्टर यूफ्रेसिया ने धर्म संघ के नियमों का बड़ी निष्ठापूर्वक पालन किया था। कठोर तपस्या एवं सादगी से जीवन जीने के प्रण को बड़े ही प्रेम से जिया। आप स्वयं को माँ मरियम की पुत्री मानती थी एवं माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करती थी। परम प्रसाद के सानिध्य में बैठकर आप प्रभु येसु के घंटों वार्तालाप करती थी। प्रार्थना में स्वयं को कुछ इस तरह लीन कर लेती थी कि उन्हें अपने आसपास का कुछ भान नहीं रहता था। प्रार्थना की इस दिव्य भक्ति को देखकर लोग उन्हें प्रार्थना वाली माँ के रूप से जानते थे। साथ में रहने वाली धर्म बहनों उन्हें चलित गिरजाघर कहती थी, क्योंकि चलते हुए भी वे रोसे की माला जपती थी। येसु के पवित्र हृदय की सिस्टर यूफ्रेसिया सदैव क्रूस का चुंबन करते एवं उसे अपने सीने से लगाए रखती थी। प्रभु के दुख भोग में सहभागी होने के लिए वे उपवास एवं कठिन जीवन का पालन करती थी। त्याग एवं तपस्या के इस मूरत ने अपने जीवन को एक होमयाग के रूप में प्रभु का समर्पित किया। आपने अपने सेवकीय जीवन में वसुधैव कुटुंबकम के गहरे अर्थ को समझते हुए सामान्य जन को उसी के अनुरूप जीने के लिए प्रेरित किया। आप परिवारों को आध्यात्मिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से उन्नत करने की प्रबल पक्षधर थी, क्योंकि वे समझती थी कि एक अच्छा परिवार ही धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर आने वाले हर व्यक्ति की मदद के लिए यह प्रार्थनाओं करने वाली माँ सदैव तैयार रहती थी एवं प्रार्थना द्वारा उन्हें समाधान भी प्रदान करती थी। परीक्षा के समय में उनसे मदद मांगने वाले हर बच्चे के लिए वे विशेष प्रार्थना करती थी। अपने जीवन काल में ही उनकी प्रार्थना में इतनी दिव्य शक्ति थी कि शोधागिन की आत्माएं भी अपने लिए उनसे प्रार्थना का अनुरोध करती थी। प्रार्थना की मदद मांगते हुए उनके जीवन काल में ही जो लोग उनके पास आते थे वे अनुग्रहित हुए थे। प्रार्थना की इस साधिका की मृत्यु के पश्चात भी उनके धन्य आत्माएं की मध्यस्थता से प्रार्थना करने वाले साक्षी देते हैं कि वे आज भी उनकी मदद कर रही है। मध्यस्थ बन प्रार्थना करने की इस वरदान ने उन्हें जरूरतमंदों की माँ बना दिया। माँ की प्रार्थना की इस अद्भुत शक्ति से प्रभावित होकर 3 दिसंबर 2006 को वे संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा धन्य घोषित की गई एवं इस तरह प्रभु के पवित्र हृदय ने धन्य सिस्टर यूफ्रेसिया को अपने संतों की श्रेणी में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। धन्य माँ की मध्यस्थता द्वारा केरल के इरनालुकुड़ा के बालक जेल जॉनसन को थायरोग्लोसल सिस्ट नामक बीमारी से मुक्ति प्राप्त हुई और इस चमत्कार ने धन्य आत्मा को संतों की श्रेणी में पहुँचने की यात्रा को और सुगम बना दिया। फलस्वरूप 23 नवंबर 2014 को संत पापा पोप फ्रांसिस द्वारा इस धन्य आत्मा को संत घोषित किया गया। इस तरह मानव सेवा एवं प्रार्थना द्वारा धन्य आत्मा ने प्रभु के स्वर्गराज में संतों की श्रेणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। यह हमारा सौभाग्य है कि माँ यूफ्रेसिया के धन्य घोषित होने से संतों की श्रेणी में शामिल होने तक के सफर में हम सभी साक्षी हैं। संत यूफ्रेसिया का कहना था कि मरने पर भी वे हमें भूलेंगी नहीं। आइए हम संत यूफ्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें।